हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइड साक्षी दंजल। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हूँ गुवाहाटी और ये मेरा लास्ट डे है गुवाहाटी में। गुवाहाटी के बाद मैं कनोका जा रही हूँ। कनोका दूसरी जगह है। सो आई एम गोना बाय द टिकट्स फॉर दी शिप टुडे। और आज का दिन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, आज दिन के बहुत कुछ हुआ था पहले, वो देखो। सो गाइस, दिस इज द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। एंड आपने ही बनाया मधुमिता जी? वाह, this is pudding, this is bread, and this is custard, this is uttapam, and this is bread. So it's gonna be something different. और ये तो हमारे यहाँ पर भी मिलता है, you know very well ये क्या है? काजू कतली। हाँ, हमारे वहाँ काजू कतली बोला जाता है इसको। या located, she kept it very well. तो कैसा रहा तुम्हारा उत्तमा? There's pickle here if you want. It's all homemade. All right. This is chili and this is olive. She's pickle lover. She's pickle lover. So how is Uttama for you? Achha. Achha? Mm-hmm. Yeah, you are trying it very first time, right? Koi baat nahi. Happens. Thanks, yaar. For me, I'm a South Indian lover. So, mere liye to upma is love. एक ही बना देना। जैसे कि आप लोगों को पता है, गुवाहाटी का शाम ब्रह्मपुत्र के मतलब शोर्स हैं साइड में। सो तुम चलो टिकट देखो। सो जो टिकट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इससे आगे कुछ शिप्स रुकी भी हुई हैं। एंड आई गेस ये, और पता है यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, मतलब यू वॉन्ट गेट दी ड्रिंकिंग वाटर, आपको ख़रीदना पड़ेगा। और 700 लीटर कम से कम पड़ता है आपका, 1000 प्लस रुपीज़ में। सो गाइस, जो लास्ट ट्रिप है वो 3:30 का था, उसको हम लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि दोपहर हो रही है और मैं सामने खड़ी हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर के, और वहीं तक वहाँ तक शिप जाती हैं एग्जैक्टली उस जगह तक। और उसके बाद आपका वो जो टेम्पल है उमानंदा। सो दैट्स एक्चुअली उमानंदा टेम्पल। और दूसरा यहाँ से वहाँ रोप वे जाती है, तो हमें वो तो मिला नहीं है, कहते हैं पॉट, बट हम जा रहे हैं रोपवे में वहाँ तक। एंड लेट्स सी रोपवे कैसा रहता है, बिकॉज अभी टिकट में टाइम है और 100 रुपये की टिकट है एक पर्सन की। अभी ये भी नहीं पता टिकट एक साइड के क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग 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 बोल रहे थे देर से, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है और लास्ट 6 बजे रोपवे बंद हो जाता है। फाइनली मैं रोप पे मैं चढ़ चुकी हूँ। बैठना है तो इसकी कैपेसिटी अराउंड 20 पीपल प्लस है, इसको मैं दिख रहे हैं। यहाँ नीचे उमानंदा टेम्पल है जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट शिप्स जाती हैं। अगर आपको जाना है तो गवर्नमेंट शिप्स ही जाती हैं, कोई और शिप बोट नहीं जाती। सो ये 3:30 बजे बंद हो जाती है लास्ट बोट। सो गाइस, फाइनली रीचिंग रोप पे पूरा क्रॉस हो चुका है। अगर गाड़ी से आओ तो 23 किलोमीटर है एक साइड की रोप पे। अगर आपको आना जाना करना है दोनों साइड का तो पड़ती है 150 रुपीज़ पर पर्सन। और एक साइड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यह मंदिर है। कब से कर रहे हो ये? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और कैसा है यहाँ पर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लोगों से मिलते हो बहुत सारे? हाँ, हाँ, हाँ।
और कितनी दूर है मंदिर यहाँ से? 1 किलोमीटर है। क्या क्या नाम है? उमानंदा ना, कोलबंदा। उमानंदा कहाँ है? उस पानी के बीच में ही है ना। हाँ वो अच्छा अच्छा गवर्नमेंट वाला इस्तेमाल आता है। ओके क्या चीज? गवर्नमेंट इस्तेमाल आता है। अच्छा वो बोट्स आती है ना। हाँ स्टीमर आता है ना। प्राइवेट कितने में? प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट ही आता है। गवर्नमेंट है। ठीक है ठीक है। तभी उमानंदा यहाँ मतलब उमानंदा इसमें है क्योंकि ये ना सबसे छोटी पहाड़ी है पूरे आसाम में। अच्छा पास में वॉकिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर पैदल जाएगा तो आना जाना 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होगा। अच्छा जब रोप वे से इस तरफ आओगे तो आपको पूरी दुनिया अलग दिखेगी क्योंकि यहाँ बहुत ही ह्यूमिड है और यहाँ तो यहाँ ज़्यादा गर्मी है एंड प्लस मतलब यहाँ पूरा विलेज एरिया है। और हम स्टीमर का पता करने जा रहे हैं जो कि 5 रुपये पर पर्सन लेता है और फैंसी बाजार छोड़ता है। फैंसी बाजार यहाँ के फेमस प्लेसेस में से एक है। सो गाइस हम स्टीमर के लिए जा रहे हैं और इसका हमें पता भी नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट हम अपनी रोपवे को डिच कर चुके हैं। ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। हमने 50 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा दिए थे विच मीन 100 रुपये एट टोटल, और वैसे ही हम बजट में लो हो चुके हैं और अभी भी हमें 2 प्लेसेस और कवर करनी है। बाय बाय लास्ट रोप वे। ये रेत है, चेक करो गाइस बोट बन रही है। सो बोट की वेटिंग अभी आधा घंटा विच विल टेक अस टू द फैंसी बाजार। दैट वाज द लास्ट एक्चुअली रोप वे। बाय बाय रोप वे फिर से, क्योंकि मुझे लगा पहले वाली लास्ट है। और जो उमानंदा मंदिर है वो है जो सबसे ये वाला आइलैंड पर है। एग्जैक्टली ये रहा, दैट्स द मंदिर ओवर देयर, जिसको ऊपर से दिस इज़ द मंदिर। एग्जैक्टली तो आई गेस के वो क्रूज है मेरे सामने जो निकल रहा है। जो बहुत गर्मी है मगर बहुत पीसफुल प्लेस है। इतने सारे लोग गाइस चेक करो, तभी इसकी टिकट इतनी सस्ती है 2.5 रुपये पर बंदा, ताकि लोग अपने व्यापार के लिए इतने दूर क्रॉस कर सकें। क्रूज अब तो ये सिर्फ खाली हो रहा है, इतने सारे लोग हैं। कोई सारी बैठने की जगह बट मेरे को तो बाहर खड़े होना है कोने पे। बेसिकली हम बोट पे चढ़ चुके हैं एंड यू नो ये बोट पूरी भर जाती है और वो सभी इन्होंने हॉर्न बनाना स्टार्ट कर दिया है। अभी थोड़े देर में लोग आएंगे और ये पूरी की पूरी बोट भर जाएगी, बट आई एम नॉट श्योर कितनी भरेगी इस बार क्योंकि ये बहुत भरती है। लाइक कितने पूरे व्हीकल्स खड़े होते हैं, जहाँ मैं खड़ी हुई व्हीकल्स खड़े होने वाली प्लेस है एग्जैक्टली। और हम जा रहे हैं फैंसी बाजार उस जगह, और हमारी गाड़ी उससे कुछ आधा घंटा दूर है रोपवे के पास। फाइनली वी आर हेयर, हमारी गाड़ी यहाँ से कम आधा घंटा दूर है एंड स्टिल वी आर हेयर एट 6। हमने सुबह से कुछ ढंग से खाया नहीं हुआ नहीं तो बेचारा भूखा ही घूम रहा है। मैं तो फिर भी रोल खा गई थी, डोंट वांटेड टू हैव रोल। सो इट्स टाइम टू गेट टू बाजार राइट नाउ, और उसके बाद अपनी गाड़ी पिक करनी है फटाफट से, पता चले कि गम कोई मिले ना, है ना? मिलेगा कोई ना कोई। वैसे मंदिर यहाँ पर बहुत फेमस है बट अभी हम अपनी गाड़ी लेने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए वॉकिंग डिस्टेंस से 1 किलोमीटर के अराउंड का। नई स्ट्रैटेजी देखो, मतलब जहाँ पे मिरर ना लगाना हो ना वहाँ पे यू आर ब्यूटीफुल लिख दो। और मैं बैठी हूँ इस वक्त बेलीवियर कैफे की दूसरी ब्रांच पे। पहले मैंने दूसरी ब्रांच पे थी लास्ट वीडियो में, दूसरी ब्रांच में हूँ।
but they provide, you know, perfumes and all also. That's a good thing. And it's a good strategy, I must say. Concepts बहुत प्यारे पाए हैं. Look at the Marvel one, that is so amazing. And over there also सामने भी देखो canvas work सारा. बीच वाला canvas work है कि नहीं? हाँ है, canvas work है. और बाहर यहाँ पर भी झूले लगे हुए हैं. Today dinner is the pasta. पास्ता ही खाने वाले हैं डिनर में. आज के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला. आज हम यही खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे और फिर सड़कों पर हाथ देंगे और हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ के. फैंसी मार्केट में तो पैर रखने की जगह वैसे भी होती नहीं. वो राइट टर्न लेके बिल्कुल ऐसी मार्केट है कि तुम पैर नहीं रख सकते. बट येस, यू कैन एक्चुअली हैव द पास्ता आफ्टर बिजी एंड हार्ड वर्किंग डे. ऑल्दो हाउ वाज द चिप. सो लेट्स जस्ट एंजॉय द पास्ता. Actually, you can come here. Naam kya aapke shop ka? China. It's Desi Street Food Junction, Purevich. China Asta ke naam se hai inka. And they are on the street, matlab bilkul samundar ke opposite. Aur ye parda kahan hai aapka? MG Road hai na ye? MG Road pe. And you can enjoy the, you know, food at very budget. Kyunki inka sara menu bahut budget mein hai. So if you are doing the solo traveling or budget bajana hai aur ya fir backpackers type, so this is the food menu. So guys, ye yahan ki MG Street hai jisme night ko, like mujhe lagta hai yahan pe bahut log aate honge. Is waqt na walking distance, matlab bahut log walk kar rahe hain, bahut log cafe enjoy kar rahe hain. Ye pura cafe street hai. Agar main is road pe walk karungi, there are n number of the cafe. So agar aapne khana enjoy karna budget mein to there are, और या फिर लग्जरीज खाना भी इंजॉय करना, मतलब है अच्छा बजट लेके चल रहे हो, सो यू कैन एक्चुअली टेक वॉक ऑन दी स्ट्रीट. कब से कर रहे हो तुम लोग ये, मतलब शॉप का बिजनेस? 3 मंथ्स हो गया. कैसा चल रहा है अभी? स्लो, थोड़ा स्लो है. थोड़ा स्लो. प्रमोट नहीं करा? सही है. सो एज दीज पीपल हैव दी एम जी पे शॉप्स एंड सकते हो. एंड मोस्टली इनके पास सारा बॉयज़ का स्टफ है. एंड यू हैव मेंटेन्ड इट सो वेल. थैंक यू गाइस. और दिस इज ऑल्सो योर्स? अच्छा, बेकरी भी नहीं है? आइसक्रीम कौन सी खाने है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और इस बार फैंसी बाजार नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज वी गॉट टायर्ड आफ्टर दिस, मतलब रनिंग फॉर द क्रूज एंड ऑल, मतलब शिप एंड ऑल. एंड वी केम बैक एंड आई रियली वांट टू थैंक्स दी होम स्टे फॉर होस्टिंग अस. एंड प्लस थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग एंड लविंग माई चैनल. सी यू टुमारो इन अ न्यू प्लेस.